नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। मैं इस प्रकार के गाइडिंग सिम्टम्स के वीडियोस कंटिन्यूसली बना रहा हूं। इन वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स या कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। 4 से 5 सिम्टम जो पिक्यूलियर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनसे कि आप मेडिसिन को इजीली समझ पाए और कलेक्टिवली उस मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में जान पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है स्टोन में। स्टोन चाहे रीनल स्टोन हो यानी कि गुर्दे की पथरी हो, या फिर पित्त की थैली में पथरी यानी कि गॉल स्टोन हो, दोनों ही कंडीशन में बर्बेरिस वल्गेरिस का बहुत ही अच्छा रोल है। बर्बेरिस वल्गेरिस जो दवा है यह गॉल स्टोन में भी काम करती है। गॉल स्टोन में ऐसे केसेस जिनमें गॉल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की समस्या उत्पन्न हो गई हो, यानी कि स्टोन के साथ साथ में आपको रुकआउट की वजह से पीलिया हो गया हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की समस्या हो, या फिर पेन जो है गॉल स्टोन का जो पेन है वह रेडिएट करता हो लेफ्ट शोल्डर की तरफ, यानी कि दाएं कंधे की तरफ अगर पेन रेडिएट कर रहा है तो उसमें बर्बेरिस वल्गेरिस दी जाती है। यही पेन अगर दाएं कंधे की तरफ यानी कि राइट शोल्डर की तरफ अगर रेडिएट करता हो तो उसमें चिलीडोनियम अच्छा काम करती है। अभी हम बात कर रहे हैं बर्बेरिस के बारे में, तो अभी सिर्फ बर्बेरिस के सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है उसमें अगर पेन रेडिएट कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दूसरा जो सिम्टम है वो रीनल स्टोन का है। रीनल स्टोन अगर स्पेसिफिकली लेफ्ट साइडेड किडनी में हो या लेफ्ट साइड में हो, उस वजह से आपको अगर पेन हो रहा हो लेफ्ट साइड के फ्लैंक में, या यूरेटर और किडनी के जो कोर्स है लेफ्ट साइड का उसमें अगर पेन महसूस हो रहा हो, उसके साथ में अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो, पस आ रहा हो, या किसी प्रकार की कंप्लेंट्स जो कि रीनल स्टोन से संबंधित है, इस प्रकार का अगर आपको सिम्टम्स इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप बर्बेरिस वल्गेरिस का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगी। रीनल स्टोन और गॉल स्टोन के अलावा बर्बेरिस वल्गेरिस जो दवा है वह एनल फिस्टुला में भी अच्छा काम करती है। अगर एनल फिस्टुला के साथ में आपको चेस्ट कंप्लेंट्स यानी कि सीने में किसी प्रकार की समस्याएं, ब्रोंकाइटिस हो या कफ हो, अगर इस प्रकार की समस्या अगर आप फेस करते हैं और वह समस्याएं आपको अल्टरनेट चलती है, यानी कि एनल फिस्टुला आपको पेन और पस डिस्चार्ज देता हो, ऐसा सिम्टम दे रहा हो, और वो जब थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, उसमें रिलीफ हो जाए, तो आपको चेस्ट सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हो, अगर सिम्टम्स इस प्रकार से अल्टरनेट प्रेजेंट हो रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बर्बेरिस वल्गेरिस का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट जो सिम्टम है वो है गाउट पर और रूमेटिज्म पर, यानी कि अगर रूमेटिज्म की समस्या है, मल्टीपल जॉइंट में आपको पेन है, पॉलीआर्थराइटिस है, अगर इस प्रकार का सिम्टम आपको देखने को मिल रहा हो, साथ में अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या हो यानी यूरिक एसिड लेवल आपका बढ़ा हुआ हो, गाउट की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। गाउट में भी बहुत ही जल्दी आपको यूरिक एसिड का लेवल जो है वह कंट्रोल में लेकर आती है। तो ये थी कुछ सिम्टम बर्बेरिस वल्गेरिस से जुड़े हुए। अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।